हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा कोफ्ता लेके आए हैं जिसके आगे चिकन मटन भी फेल है। ये कोफ्ता बनेगा सोयाबीन से, झटपट बनेगा। आइए देखते हैं टेस्टी कोफ्ता कैसे बनेगा। सोयाबीन का कोफ्ता बनाने के लिए सोयाबीन को धो के 15 मिनट पहले पानी में भिगा दिए थे। सोयाबीन फूल गया तो इसे पानी से बाहर निकाल के इसका पानी निचोड़ दिए हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। सोयाबीन को पीस लेंगे, सोयाबीन को दरदरा सा पीस लिए हैं, इसे बाउल में निकाल लेंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, दो हरी मिर्ची डालेंगे काट के, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी धनिया काट के रखे हैं इसे भी डाल देंगे, भुना हुआ आधा कटोरी बेसन डालेंगे। इसे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सोयाबीन में सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हाथ में आयल लगा के इसका थोड़ा सा डो उठाएंगे और इस तरह दबाएंगे, दबा के इसको कोफ्ता बनाएंगे। इस तरह हाथ से दबा दबा के देखिए गोला सा कोफ्ता बना लिए हैं। इसी तरह अब कोफ्तों को भी बना लेंगे। कोफ्ते बन गए हैं, अब इन्हें साइड में रखते हैं। गैस पर कढ़ाई गर्म है, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। कोफ्ता सरसों के तेल में बहुत टेस्टी होता है। तेल गर्म है, इसमें कोफ्तों को फ्राई करेंगे। इन्हें बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह जो कोफ्ते बचे हैं उन्हें भी फ्राई करें। फ्राई कोफ्तों को साइड में रखते हैं। गैस का पैन गर्म है, जिस तेल में हम कोफ्ते को फ्राई किए हैं वही बचा हुआ तेल छन्नी से छान लिए हैं, अब बर्तन में डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा चटक रहा है, एक चुटकी हींग डालेंगे, एक बड़े साइज का प्याज पीस के रखे हैं इसमें डाल देंगे, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक को दो तीन मिनट तक डालेंगे। लहसुन अदरक प्याज अच्छे से भुना गया है, दो मीडियम साइज का टमाटर पीस के रखे हैं इसमें डाल देंगे। टमाटर को मिला लेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। आधा चम्मच भुने हुए बेसन लिए, इसमें पानी डाल के भूलेंगे। बेसन भूल गया है, इसे साइड में रखते हैं। मसाला को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, मसाले को 1 मिनट भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, जो बेसन भूल के रखे हैं इसमें डाल देंगे। बेसन को मसाले में मिला के 2 मिनट तक भूनेंगे। बेसन मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब ग्रेवी के लिए 2 गिलास पानी डालेंगे। ग्रेवी अच्छे से खौलना है, इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। सालन को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, दो हरी मिर्ची डाल देंगे, फ्राई किया हुआ कोफ्ता डालेंगे। कोफ्तों को ग्रेवी के साथ 5 मिनट तक पकने देंगे। कोफ्तों को ढक के लो फ्लेम पर पकाएंगे। कोफ्ते अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हरी धनिया डालेंगे। धनिया पत्ती को मिक्स कर लेंगे कोफ्ते के साथ। गैस को बंद कर देंगे, कोफ्तों को सर्व करेंगे। सोयाबीन का कोफ्ता खाने के लिए रेडी है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चाहे पूरी पराठा के साथ खाइए। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।